जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे आज। राइबोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेंगे। प्रोटीन फैक्ट्री जो है, मतलब प्रोटीन को बनाने वाली वाला ये मेन ऑर्गन्स होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री नाम दिया गया है। ओके, द राइबोसोम इज अ मेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, बिकॉज ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कैन बी पॉसिबल बाय द एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स मेड बाय द प्रोटीन एंड प्रोटीन मेड कैन मेड बाय द राइबोसोम। ओके, सो राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, राइबोसोम्स के ही थ्रू सारे एंजाइम्स बनते हैं और इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर द ऑफ द राइबोसोम डन बाय द पी पैलेट, जी पैलेट के थ्रू क्या है राइबोसोम की जो है इसकी डिस्कवरी या इसका जो है इन्वेंशन किया गया। ठीक है, राइबोसोम की का हम जो स्टडी है वो इस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द राइबोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर दोनों तरफ भी आता है और जो है राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल ओरिजिन द राइबोसोम इन अ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम प्रोड्यूस इन अ साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम प्रोड्यूस इनसाइड न्यूक्लियस एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, एंड आल्सो इन सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर। और कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होते हैं राइबोसोम प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम जनरली द राइबोसोम जो होते हैं इट इज अ 150 to 250 डिग्री आर्मस्ट्रांग डायमीटर। जो राइबोसोम होते हैं 150 से 250 डिग्री आर्मस्ट्रांग के डायमीटर के क्या होते हैं इनकी साइज होती है। जनरली राइबोसोम मेड अप बाय टू सब यूनिट्स। राइबोसोम दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। ओके, फर्स्ट लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड स्मॉल सब यूनिट। ओके, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट विच कनेक्ट ईच अदर बाय द मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो राइबोसोम्स की बड़ी और छोटी दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम आयंस के थ्रू क्या होती है आपस में अटैच होती है। लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट इज अटैच टू ईच अदर ऑन द एमआरएनए हेलिक्स। एमआरएनए की हेलिक्स पर लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट क्या होते हैं आपस में जोड़े आते हैं। ठीक है, क्या होता है एक बार में वन टाइम में 6 to 8 राइबोसोम्स क्या होते हैं एमआरएनए पर जुड़े हुए दिखा देते हैं। ओके, वन टाइम में 6 to 8 राइबोसोम जो होते हैं एमआरएनए यूनिट पर एमआरएनए हेलिक्स पर दिखाई देते हैं, इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहेंगे पॉली राइबोसोम्स। ओके, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ दिखा देंगे तो इसे पॉली राइबोसोम्स कहेंगे। ओके, राइबोसोम हेयर इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के हम टाइप्स पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए राइबोसोम की, दो लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट और दोनों
सबयूनिट्स एनजीआईएस के थ्रू जुड़ती है और एमआरएनए के हेलिक्स पर दोनों जो है सबयूनिट्स आपस में जुड़ती है और 6 टू 8 राइबोसोम मिलते हैं तो पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। देन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम देयर आर टू टाइप ऑफ द राइबोसोम्स। दो तरह के राइबोसोम्स हैं। फर्स्ट राइबोसोम इट इज 70S एंड सेकंड इट इज 80S। हियर S मींस S इज अ स्वेडबर्ग यूनिट। S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है व्हिच इज रिलेटेड टू द सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, S है। S क्या होता है? सेडिमेंटेशन पर डिपेंड होती है, इसे सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो सेडबर्ग यूनिट से इसे जाना जाता है जो कि राइबोसोम के सेडिमेंटेशन पर डिपेंड करती है। दो तरह के राइबोसोम में 70S तरह के राइबोसोम। 70S राइबोसोम फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल ओनली। प्रोकैरियोटिक सेल एस फॉर बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल एंड लो कैटेगरी सेल की एंड फंगस की सेल्स। ठीक है, इसके अलावा वायरल सेल कहते हैं 70S राइबोसोम पाया। 70S राइबोसोम व्हिच इज मेड अप बाय टू सब यूनिट्स, फर्स्ट 30S एंड 30S स्मॉल सब यूनिट एंड 50S लार्ज सब यूनिट। ओके, एंड सेकंड टाइप ऑफ राइबोसोम इट इज 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक सेल्स मींस हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी काफी पाए। अब 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम मेड अप बाय टू सब यूनिट्स। इट्स स्मॉल सब यूनिट इज 40S एंड इट्स लार्ज सब यूनिट इज स्मॉल एस। ओके, क्या होगा जब दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे तो उसका जो साइज होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, इससे क्या होगा यहाँ 50S और 50S और 30S मिलेगी तो टोटल मिल के यहाँ पे 70S हो जाएगा, क्योंकि 10% क्या होगी एक दूसरे के बीच जोड़ने में क्या होता है वो यूनिट कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो है 70S राइबोसोम के 290 डिग्री क्या उसका होंगे रहेंगे। ठीक है, टोटल और जो 80S टाइप के जो राइबोसोम है, ठीक है, 80S टाइप के जो राइबोसोम है 280 से 200 से 200 से 240 डिग्री ऑंगस्ट्रॉम ये होंगे। ठीक है, ये 210 डिग्री ऑंगस्ट्रॉम और 240 डिग्री ऑंगस्ट्रॉम के रहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे राइबोसोम्स का जो फंक्शन है। राइबोसोम्स के कुछ फंक्शन है, इंपोर्टेंट रोल प्ले इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्ले इंपोर्टेंट रोल इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। या प्रोटीन सिंथेसिस कहेंगे तो राइबोसोम्स की स्मॉल और लार्ज सबयूनिट दोनों आपस में जुड़ेगी तो ही क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाती है। ठीक है, राइबोसोम इज अ पोरस स्ट्रक्चर एंड इज अटैच्ड टू ईच अदर। फिर नेक्स्ट लाइक टेम्पल बिकॉज इट इज कलेक्ट द एसेंशियल मटेरियल विच द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के इंपॉर्टेंट मटेरियल को कलेक्ट करता है और राइबोसोम जो है प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर राइबोसोम की छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट आपस में नहीं जुड़ेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ओके, राइबोसोम एक मेन जो है टॉप पॉइंट है। राइबोसोम इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इट इज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर और ग्रेन्युल्स की कैसी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट राइबोसोम। आज राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे एंड कंप्लीट दिस टॉपिक। ओके, एंड नोट डाउन योर कॉपी।